जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है सैयद शहाब शाह और आप कार्स डॉकयार्ड यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सीन कुछ यूं है कि अभी मुझे साथ की कॉल आई थी, एक हमें कॉल आई थी सियालकोट से, जो हमारे कस्टमर सब्सक्राइबर थे बेसिकली, वो अपनी गाड़ी के अंदर इंजन स्वैप करवाना चाह रहे थे, लेकिन ये उनकी मजबूरी ये है कि वो कह रहे हैं कि यार एक दिन के लिए जो है वो हमने एक दिन के अंदर अंदर गाड़ी करनी है। वैसे हम 6 से 7 दिन के अंदर करते हैं गाड़ी को कम से कम। हमने उनको कहा ठीक है आप हमें एडवांस पेमेंट भेज दें, 1.5 लाख रुपए उन्होंने एडवांस पेमेंट भेजी हमें और हमने उनकी चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं। सुबह इंशाल्लाह वो 9-10 बजे हमारे पास वर्कशॉप पे होंगे और हम कोशिश करेंगे कि एक दिन के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। ये एक चैलेंजिंग काम है, 6-7 दिनों का काम होता है बेसिकली, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक दिन के अंदर अंदर गाड़ी को कंप्लीट करके उनको हवाले कर सकें। इसमें 6 से 7 मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि हम सारी चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह। सुबह मैं व्लॉग को कंटिन्यू करूँगा और आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर कर दी जाए। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, हमारे पास एक गाड़ी आनी थी जो कि हमने करनी है आज के ही दिन है। हमारे पास गाड़ी आ चुकी है, साथ भी आ चुका है, बॉयज़ हमारे आ चुके हैं, काम उन्होंने शुरू कर दिया है और बस मैं भी वर्कशॉप जा रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ। पहुँचकर आप लोगों से फिर मैं डिस्कस करता हूँ, गाड़ी भी दिखाता हूँ और जितना काम हो चुका होगा तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। जी तो ये तो थी कंप्लीट बैक स्टोरी हमारे इस प्रोजेक्ट की। इसके बाद हम जब वर्कशॉप पर आए, हमारे बॉयज़ जो थे वो काम कर रहे थे। अब आपको हम एक एक चीज़ बताएंगे कि क्या है इसकी टोटल स्टोरी। ये जो गाड़ी आई थी हमारे पास, इसमें ऑलरेडी 660 सीसी जो 2002-03 मॉडल में अल्टो जैपनीज जो थी उसके अंदर इंजन आया हुआ था, जो कि बेसिकली मैनुअल ट्रांसमिशन में था। और अब कस्टमर चाह रहे थे कि हम इसमें 2013-14 मॉडल का जो ड्यूल कैन सिस्टम के साथ सेटअप है वो इंस्टॉल करें और वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी हो और फ्यूल इकॉनमी जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाए और इंजन मेरा रिन्यू हो जाए। तो सबसे पहले तो हमारे बॉयज़ ने पुराना जो सेटअप था वो विद इन 30 मिनट्स जो है वो हमने रिमूव कर दिया था। पुराना सारा सेटअप जो है वो आपके सामने है इस वक्त। और इसके बाद हमने गाड़ी में जो हमारा दूसरा नया सेटअप था वो इंस्टॉल करना था। फ्रेम आप देख रहे होंगे, गाड़ी का फ्रेम बिल्कुल बेहतरीन, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी रस्ट फ्री होनी चाहिए और उसमें किसी किस्म की कोई एक्सीडेंटल या इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए। गाड़ी जितनी बेहतर होगी मजीद जो है वो ड्राइव उसकी बेहतर होती जाएगी। तो दूसरा जो हमारा नया सेटअप था वो गाड़ी में हमने इंस्टॉल कर दिया था। जी तो जैसे आप देख रहे होंगे हमारा इंजन प्लेस हो चुका है और स्केल आप देख रहे होंगे, हम थ्रू आउट इंजन जो भी प्लेस करते हैं उसकी एक्यूरेसी आपके सामने है। हर एक चीज़ का, एक्सेल्स का, फाउंडेशंस का, माउंटिंग्स का, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। उस मैकेनिकल वर्क के बाद हमारी इलेक्ट्रिकल जो वर्क है वो स्टार्ट हुआ और हम मेक श्योर करते हैं एक एक सेंसर जो है वो ऑन किया जाए OBD ग्रिप के साथ, कैन बॉक्स के साथ। Say my name, or you say her name, yeah.
इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वर्क के बाद हमने गाड़ी शिफ्ट की साइलेंसर वर्क्स के लिए। साइलेंसर जो है उसके अंदर हम फ्लेक्सिबल पाइप इंस्टॉल करते हैं और इसके अलावा जितनी भी टिप होती है साइलेंसर की उसको हम सेट करते हैं। तो ये है जी गाड़ी की फाइनल लुक मीटर की। इसके अलावा कंसोल जो है वो प्रॉपरली उसके साथ लीवर के साथ हम कंसोल अटैच करते हैं फिनिशिंग के साथ। और ये है जनाब अली जो फाइनल लुक है इंजन बे का। और एसी के जो पाइप्स हैं वो हमने इंस्टॉल कर दिए थे और क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी 660 सीसी थी तो पाइप्स बने हुए थे, हमने उसके अंदर गैस रीफिल की। और जो एयर क्लीनर है ईच एंड एवरीथिंग वो अपनी अपनी जगह पर आपको नज़र आ रहा होगा। काम की जो फिनिशिंग है वो आपके सामने है। मीटर जो है ये डिजिटल मीटर इसमें हमने इंस्टॉल किया जो कि आपको एवरेज जो है वो शो करेगा। इंजन जो है अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेस्ट कंप्रेशन के साथ है। इसके अलावा गाड़ी का ब्रेक पैडल आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी हम चेंज करते हैं, इसमें ऑटो ट्रांसमिशन का इंस्टॉल हो जाता है। तो गाड़ी फाइनली जी कंप्लीट हुई 9 बजे। सुबह 10 बजे से हमने काम स्टार्ट किया था। गाड़ी के जो ऑनर हैं उनसे एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे। जी तो अस्सलाम वालेकुम, सैयद शाबशार कर रहा हूँ कार्स रॉकयार्ड से। हमारी एक अदद अल्टो VXR जो कि हमने कन्वर्ट की है, हमारे साथ हैं वकास भाई। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। वकास भाई हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे पास आए थे सियालकोट से और इनको हमने गाड़ी कमिट किया था कि यार एक दिन में इंशाल्लाह हम आपको करके देंगे। तो सुबह आप आए थे हमारे पास 10 बजे और अभी हो रहे हैं मेरे ख्याल से 9 हो रहे हैं। तो कैसा रहा आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सेम डे में वो गाड़ी डिलीवर कर रहे हैं और वर्किंग कंडीशन में बिल्कुल स्टार्ट है गाड़ी। और टेस्ट ड्राइव के बाद, टेस्ट ड्राइव आपने ली है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा। मैनुअल पहले आप चला रहे थे? जी बिल्कुल। तो अब ऑटो हो गई है गाड़ी आपकी? जी बहुत शुक्रिया। चलें, थैंक यू सो मच। तो ये गाड़ी है, इसमें हमने 660 सीसी इंजन कन्वर्ट किया, ठीक है, डबल कैम इंजन जो कि डिजिटल मीटर के साथ आता है वो इंस्टॉल किया। आपको मैं इंजन में भी दिखा देता हूँ। इस वक्त गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, ठीक है, और ये पूरे एक दिन के अंदर की का पूरा हमारा एक प्रोजेक्ट था इंजन की कन्वर्जन का, ठीक है। ये कंप्लीट हमारा इस वक्त गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, कोई वाइब्रेशन नहीं, कुछ नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ऑल ओके। थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। तो फाइनली गाड़ी हमने डिलीवर कर दी। इस पे जो टोटल कॉस्ट आई है वो 2,10,000 रुपये है। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, हमारा काम पसंद आ रहा होगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।